नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ संतोष जी हैं जो 25 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए, विशेष डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा के लिए। संतोष जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 25 सालों से आ रही हैं आप डेरा सच्चा सौदा संस्था में, कैसा माहौल लगता है आपको? बहुत बहुत अच्छा माहौल लगता है। हमारा तो सब कुछ यही है, जो कुछ भी है हमारा तो गुरु माँ बाप सब कुछ यही है। हमारा तो यहाँ विश्वास बना हुआ है, जो कोई आएगा वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। कितना विश्वास करते हो गुरु जी? बस बेअंत विश्वास करते हैं, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। क्यों विश्वास करते हो? आपने ऐसा क्या देखा जो आज भी आप उनके ऊपर इतना विश्वास, इतनी आस्था रखते? हमें हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाने वाले हमारे गुरु जी डॉक्टर संत गुरमीत राम सिंह जी इंसा जी ने आज तक हमें गलत रास्ता नहीं दिखाया। जो अच्छा रास्ता दिखाएगा उसको ही बोलेंगे हम तो। हमारे लिए तो वही माँ बाप है। जो अपने माँ बाप को कौन गलत बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। उन्होंने लोगों के लिए क्या काम किए हैं, समाज के लिए है? समाज के लिए गुरु जी ने क्या काम किया? समाज के लिए बहुत काम किए। वो जो काम किया है उन्होंने कभी दिखाया है, अच्छे काम बहुत किए। क्या किया है समाज? सफाई अभियान लगा लो, नशापूर्ति लगा लो, वेश्याओं की शादी कराना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा भी जो उनके कामों की कोई गिनती नहीं है। बस जो दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उन सब, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने ऊपर लगा ले फिर पता लग जाएगा अभी हाँ कि कैसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं दूसरों पर। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हमें तो आज 25 साल हो गए, हमें तो आज तक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? क्या आपको लगता है आज भी सन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा की समाज को ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, कम नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। क्या अपील, क्या मांग करना चाहोगे आप सरकार से? बस सरकार से यही मांग है कि हमारे गुरु जी को जल्दी से जल्दी बस रिहा करें और हमारे गुरु जी हमारे बीच आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार रिहाई की मांग की जा रही है सन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के लिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।